हेलो फ्रेंड्स, आपके इस चैनल बेस्ट फॉर बेबी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ, देखिए ये जो थर्ड बॉक्स मुझे अब के आया है, मैं इसकी एक्सरसाइज अपने बेटे को करवा रही हूँ। देखिए ये 1C बॉक्स है, मतलब ये 14 महीने पर बच्चे को देना है। मैं इसे ओपन करती हूँ। देखिए इसमें भी दो बुक्स, जैसा कि अपने हर बॉक्स में दो बुक्स देते हैं, ऐसे ही इन्होंने इसमें भी दिए। देखिए पहले वाले में इन्होंने दिया था माई फर्स्ट वर्ड्स, माई फर्स्ट 100 वर्ड्स। इस वाले में इन्होंने माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट बुक दी है। इसमें कई सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि उनके सामने जैसे ओ फॉर क्या होता है, उसके आगे उसकी तस्वीर भी दी हुई है। तो ऐसे मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, जैसे कि बाबा ए ए ए एंट, बी 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 बर्ड, ऐसा करके सारे मैं ये पढ़ाती हूँ। तो वो इनको टच करता है, वो थोड़ा बहुत बोलना भी सीख रहा है इससे। इससे ना आपके बच्चे को, बच्चे की वोकैबलरी भी स्ट्रांग होगी और वो बोलना थोड़ा सा जल्दी सीखेगा। और इसे एक आप स्पीच थेरेपी के तौर से भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। टीयर रेजिस्टेंट है, तो डर नहीं है कि बच्चे इसे फाड़ देंगे। हालाँकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, फाड़ने को वो इसे फाड़ सकते हैं। मेरे बेटे ने एक बुक फाड़ दी है। और ये जो सेकेंड बुक है, ये गुड हैबिट्स के लिए एक बुक ज़रूर डालते हैं अपने बॉक्स में। जैसे कि इन्होंने इस बार डाली है टेकिंग केयर ऑफ वन सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो। इसमें क्या दिया है इन्होंने कि जैसे कि हमें ब्रश करना चाहिए, तो मैं उसके सामने ऐसे उंगली से अपने मुंह में ऐसे करके दिखाती हूँ, उसको ऐसे करके दिखाती हूँ कि हाँ ब्रश करना चाहिए। जैसे बर्डी ब्रश करती है, क्या आप हेयर में ब्रश करते हो, कॉम करते हो हेयर्स को? जैसे ये देखिए, नोज़ क्लीन करने के लिए भी इसमें है, और टूथब्रश के लिए भी है, और बेदिंग के लिए है, हैंड वॉश के लिए है, और शूज़ वेयर करने के लिए भी है। और देखिए ये सब इसमें दिया हुआ है, तो इससे बच्चे कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे। और जो ये बैग्स हैं, इनके अंदर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसके अंदर भी गुड हैबिट्स के बारे में ही दिया हुआ है कि आप तैयार कैसे होगे, जैसे आप सुबह उठे तो आप तैयार कैसे होगे, उस बारे में बच्चे को बताने के लिए ये है। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस बॉक्स में ये दो बोर्ड्स हैं। जैसे देखिए इस तरफ है वॉश योर हैंड्स विद वाटर, यहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है, और ये वॉश बेसन। जैसे ये बच्चे को पहचानना होगा, जैसे कि मैंने डाल दिया, जैसे दूसरा वाला भी है, दूसरा वाला भी है। तो इसमें ऐसे ये सारे जो बॉक्सेस हैं ये ऐसे डाल दिए, जैसे ये जो सारे हैं ये ऐसे डाल दिए। फिर बच्चे से कहूँगी कि पहचान के दिखाओ, वॉश बेसिन लगाओ। जैसे इधर है कॉम, कॉम यो हेयर्स, एक के बाद बताई, तो कॉम ऐसे करवा के दिखाया, और सोप दिख, जैसे इसमें देखिए बेदिंग के लिए है तो इसमें सोप दिखाया है, तो सोप वो इसमें चिपका सकता है। जैसे ये टूथब्रश के लिए है तो टूथब्रश ऐसे ढूंढ के चिपकाता है। तो बच्चा इससे कुछ सीखता भी है चीज़ें। और मैं आपको तीसरा जो बैग है वो दिखाती हूँ, उसमें केक फॉर्मेशन एक्टिविटी है। जैसे ये स्पंज है, तो ये सारे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं ये सारे, ये भी निकल जाता है। तो बच्चे को मैं दिखाती हूँ, इससे वो कलर भी पहचानना सीखता है। जैसे ये देखिए ब्लू वाला है, और ये देखिए ऐसे करके येलो पहचानना सीखता है वो, और जैसे ये ऑरेंज पहचानना सीखता है, और ये ग्रीन पहचानना सीखता है, ग्रीन पहचानना सीखता है, ऐसे करके केक फॉर्मेशन। ये एक एक्टिविटी आप करवा सकते हैं बच्चे को। दूसरी जो एक्टिविटी है वो आउच एक्टिविटी, मतलब उसमें ऐसे है, देखिए जैसे ये एक इस तरफ एक बच्चा बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है उसके आगे कि क्या क्या चीज़ें, जैसे क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे फोरहेड, ईयर, माउथ आप देख रहे हैं, चेस्ट है, हैंड, स्टमक, फुट, लेग, ये सब आप देख रहे हैं। और इस तरफ भी यही है, बट मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है। ये देखिए जो ये पीसेज हैं, इनमें वेलक्रो लगा हुआ है इस तरफ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ इसके साथ में। जैसे मैंने बच्चे को ये वेलक्रो वाला, जैसे फोरहेड पर लगाना है, तो वेलक्रो वाला साइड हल्का सा छुआया और कहा देखो फोरहेड, तो उससे ऐसे ये पता चलता कि मेरा फोरहेड ये है। फिर मैंने यहाँ पे इसके फोरहेड पे ये लगा दिया, तो वो इससे समझता है कि मेरा फोरहेड इसका फोरहेड यहाँ पर होता है। तो इसी तरह से सारे ये मैं ऐसे लगा के दिखाती हूँ इसे। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं वीडियो में, मेरा बच्चा मेरे बिना एक मिनट नहीं रहता, तो मुझे जाना होगा। तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छी बातें भी लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।